वेलकम टू तेज एजुकेशन। पर्यावरण पैडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको सिलेबस के अनुसार उपलब्ध कराने जा रहे हैं और सभी प्रश्न टॉपिक वाइज हमने कवर किए हुए हैं। और अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तब मित्रों एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, पूरे के पूरे प्रश्न आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना है। जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह के हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, तो बने रहिएगा। हमारे साथ सबसे पहला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। ये कथन किसका है? चार ऑप्शन है आपके समक्ष, ई बी बेसले, एम पी मफात, क्रॉ एंड क्रॉ या फिर जेम्स हेमिंग। तो इसका सही जवाब है कि सामाजिक अध्ययन ऐसा क्षेत्र होता है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों और उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। ओके, तो ऐसे गुणों का निर्माण करना होता है। तो इसका सही जवाब है जेम्स हेमिंग की। ये कथन किसने दिया है? जेम्स हेमिंग ने। मैंने दोबारा पढ़ा है तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा कथन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही कथन है यहाँ पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्रों के ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधन के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? पहला ऑप्शन कि ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती हैं, या फिर मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, या ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं, या फिर ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कि ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। ओके, हमें समाज विज्ञान शिक्षण के लिए ऐसे ही उपायों को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? किसी भी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है वो है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को क्या करना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को हमेशा सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं में के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने और प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। ओके, तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को हमेशा सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने और प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के EBS की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है कि ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है कि बच्चे दुनिया के बारे में
अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये कथन किसका है, पेवलोव का, प्याजे का, कोटलवर्क का या फिर स्किनर का? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन है प्याजे का। ओके, अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के 1993, यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तब शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल या वर्गीकरण कौशल? इसका सही जवाब है कि शिक्षक छात्रों में चिंतन कौशल विकसित करना चाह रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछकर कि क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, इस तरह के प्रश्न पूछते ही छात्र चिंतन करने को मजबूर हो जाएंगे और उनकी चिंतन कौशल में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो इसका सही जवाब है कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ओके, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, ये सबसे प्रभावी रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य या पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? तो अन्योन्य या पारस्परिक अधिगम की विशेषता है कि शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्यिक कार्यक्रम कराना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक लिखित कार्य कराना आदि किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है? तो इसका सही जवाब है आगमन से निगमन की ओर, इसके अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और इसी तरह आपको कंप्लीट पर्यावरण पेडागोजी उपलब्ध कराई जाएगी।